वो लेके गया था हाँ, हाँ पापा मैं हाँ बोलो सेफ तो है वो गलती से सागर से फट गया था विद ओपन कैमरा आईपैड फोन रिवील करने वाला हूँ कालू भैया भी जा सकते हाँ भाई नितिन कुमार जी भी पार्क में चला गया हेलो एवरीवन कैसे आप सब होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी गोलू और अरमान जी जा रहे हैं बाहर और मुझे कुछ काम है घर पे। तो दो चार दिन से ना बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हेयर फॉल सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। गोलू पाल से कुछ इनके साथ भी हो रहा है। हाँ सेम हो रहा है सब बहुत हेयर फॉल हो रहा है बहुत रफ हो रहे हैं बाल एकदम। बाल इसलिए क्योंकि पतझड़ में बारिश के मौसम में बाल गिरते ही गिरते हैं। तो बहुत ज्यादा धूप है बाहर और हमारा दिल कर रहा है कि नारियल पानी मिल जाए कहीं ना कहीं। तो नारियल पानी वाले को ढूंढते हैं और दो चार नारियल पानी घर भी लेके जाते हैं और गोलू का भी फेवरेट है नारियल पानी। मेरे को नारियल पानी पसंद है और जूस बहुत पसंद है तो मैं यही सोच रही हूँ कि बस सब शॉप आ जाए कोई। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर और बहुत नारियल पानी ढूंढा मिला नहीं। चलो कोई बात नहीं घर जाके ऊपर जाके चाय पी लूंगी। चीकू सर का स्कूल ओ ट्यूशन कब आएगा? वो आएगा 4 बजे। फोन आया था उसके मेरे पास। अच्छा फोन लेके गया था बहुत। अरे हम गाड़ी में फोन आया पापा मैं ट्यूशन में हूँ। एक्चुअली क्या ना चीकू को ना मतलब नंबर मिलाना सिखा दिया और आज वो फोन लेके चला गया। फोन किया उसने फिर मुझे हाँ पापा मैं हाँ बोलो अरे मैडम से बात करो। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। कह रहे चिकू को मतलब फोन आपने दिया? मैंने तो इसको घर दिया था। ये थोड़ी बोला था कि ट्यूशन ले जा। नहीं आपने कहा था ना इसके पास फोन होना चाहिए एक है ना घर पे कभी हम नहीं होते इधर उधर तो फोन कर सकता है। वो साथ में ट्यूशन ही ले गया कि मैं बाहर जा रहा हूँ ना घर से तो फोन होना चाहिए मेरे पास। नहीं अच्छी बात है बच्चों को कॉल वॉल मिलाने आनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात आपका नंबर याद है उसे। तो गाइस आज आपने देखा सुबह सुबह कि बच्चा घर पे आ गया था प्रिंस नाम का। देखो क्या है ना माँ बाप की डांटना हमें आज ऐसा लग रहा है कि पिटाई हो रही है पर नहीं यार वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो कभी भी घर से मत भागा करो। आज आप यहाँ आए हो चलो कोई बात नहीं अपने माँ बाप तक आप पहुँच गए हो। जब आप घर से निकलते हो ना उसी टाइम माँ का ना कालजा यानी कि दिल शरीर से अलग हो जाता है कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। जब उनसे बात हुई फ़ोन पे तब जाके उनको आराम मिला अच्छा लगा। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होगे उस टाइम प्रिंस अपने घर पहुँच गया होगा। पायल भी रोने होने लग गई थी या उसकी मम्मा को देख के ना वो बहुत रो रही थी। ऐसा लग रहा था ना कि बस उनकी जान ही निकल गई है उनका बच्चा घर से गायब और वो सब ढूंढ रहे थे उसे है। हमारा कॉल गया तो उनको थोड़ी तसल्ली हो गई कि चलो बच्चे का कॉल आया तो सही कहीं पे सेफ तो है वो। क्या हुआ था ना मैं जब वो आया नीचे तो मैंने उससे पूछा कि मम्मी का नंबर है तो उसने मना कर दिया नहीं मेरे पास मम्मी का नंबर नहीं है। हमने सोचा चलो यार 13 साल का बच्चा शायद नहीं होगा नंबर। बाद में फिर ऑफिस में बैठा मैंने दिखाओ बेटा क्या क्या लेके आयो घर से। फिर उसने कपड़े निकाले फिर वो पर्ची निकली। पर्ची में कम से कम उसने 10 से 12 नंबर लिखे हुए थे। तो थैंक यू सो मच पंजाब पुलिस बहुत अच्छा लगा आप आए आके बच्चे को लेके गए रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप टेंशन मतलब सारी टेंशन हमारी है हम बच्चे को उनके घर तक पहुंचा देंगे। तो जाते जाते हमें पुलिस अधिकारी ने ये भी बोला था कि हम ऐसे ही किसी को बच्चे को हैंडओवर नहीं करेंगे क्योंकि हम उनको कॉल करेंगे बोलेंगे आधार कार्ड लेके आना साथ में तभी हम भेजेंगे ऐसे नहीं भेजेंगे बच्चे को किसी के भी। मैंने ये भी बोला था कि जब उनके घर वाले लेने आए तो आप मुझे भी कॉल करके बता सकते हैं कि हाँ भाई हमने बच्चा हैंडओवर कर दिया क्योंकि मैंने उसकी ना सारी यहाँ की जितनी भी फुटेज थी कब कैसे आया वो कैसे घर से निकला सब कुछ रिकॉर्ड किया था। और कुछ चीज़ें थी जो मैं सोशल मीडिया पर नहीं डालूंगा चाह के भी नहीं डालूंगा। बहुत सारी प्राइवेसी चीज़ें होती हैं कि जो सोशल मीडिया पे हम नहीं दिखा सकते। क्या होता है ना आप डेली लाइफ दिखा रहे हो आप वो चीज़ें नहीं दिखा सकते जो अलाउड नहीं होता। और कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती है ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल डीपली लाइफ आप सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर सकते। यहाँ पर भैया अपना सैलेड गोलू पी रही है जूस और पायल देख रही है मूवी अपने टैप में है भाई पायल। अभी निकाल के लाई हूँ चीकू पैक करके रख गया था। चीकू क्या करता है जिसमें आईपैड आया था ना उसे डब्बे में पैक करके रख देता है। जिम अंडा खाना बेटी जिम्मी को तो खाना है बेटा। तो आज बनी है भाई घर की पनीर क्योंकि दूध जो है सुबह गलती से सागर से फट गया था तो सागर ने उसका बना दिया पनीर। पायल ये बच्चू पनीर मांग रहा है दे अभी तो दिया इसको इसका फेवरेट है ना। बेटा आपके लिए एग भी रखे हैं वहाँ पे। बेटा बस और पनीर नहीं खाना कितनी देर से खा रहे पनीर इधर आपका एग रखा है खाओ जल्दी आओ इधर। पायल
मुझे ऐसा लग रहा है इसका पनीर बहुत फेवरेट है। क्या हो गया, ज्यादा हंसी क्यों आ रही है? मुझे हंसी ये आ रही है कि अगर इतना ही कुछ पूछना है तो घर क्यों नहीं आ जाते। हमारे घर तो एक छोटा 13 साल का बच्चा आ गया है जिसको हमने, और हम इतने खुश नसीब है गुड्डू, वो बच्चा अपना घर छोड़ के भाग के आया था यहाँ, हमने उसे वापस उसके घर भेजा है। तो तुम लोग क्यों नहीं आ सकते हो? नंबर चाहिए यार पायल, नंबर चाहिए यार। ओहो यार, नंबर, एक बात बोलूं, नंबर एक ऐसी चीज है ना, कहीं से भी निकल सकता है। ऐसे सामने से मांगोगी, सामने से कैसे मिलेगा, कहीं से भी मिल जाएगा। यही रहते हैं एक साल से, पिछले एक साल से ना यही रह रहे हैं। तो अगर आपको मिलना हो तो डायरेक्टली आप मिल सकते हो विद ओपन कैमरा। पायल यार देखो ये क्या कर रहे हो, देखना मेरे को लाइव भी नहीं आना आता। जब लाइव आई थी ना, पूरे 2 मिनट लगे मुझे देखने में कि फोन ऐसे रखूं ऐसे रखूं। और कुछ जाहिल लोग होते हैं, उनके 200-400 फॉलोअर्स होते हैं और फुल बकवास करते हैं लाइव। वेला टाइम है ना बेटा, अपना व्लॉग नहीं बनाना होता, लोगों के बारे में बकवास करनी होती है, वेला टाइम होता है। करने दे, जिसको जो बोलना है बोलने दो, कब तक बोलेगा कोई। देखो दिल नहीं कर रहा लड़के? नहीं पापा। क्या किया? आईपैड फोन, मेरा आईपैड फोन। तो फटाफट एक जबरदस्त गाना सुना दे। आईपैड फोन, आईपैड फोन, मेरा आईपैड फोन। तो आज मैं आपको एक बड़ी अपडेट भी दे देता हूँ। कल ही मैंने एक वेब सीरीज भी साइन किया, नाम मैं रिवील नहीं कर सकता। उसके मतलब कम से कम ये लगा लो 10 पार्ट आने वाले हैं। उसके लिए रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है कि शायद मैं आपको बीच में दिखूं ना दिखूं, क्योंकि गोलू और पायल दिखेंगे आपको। पर ये जरूर है कि 2-3 दिन में मैं होनी ही है चंडीगढ़, थोड़ा सा दिखा करूंगा, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करके जरूर जाया करूंगा आपके सामने। तो बहुत ही जल्दी आने वाली है, मतलब आएगी, टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक पार्ट 45 मिनट्स का है और उसमें 45 मिनट्स में लग जाएंगे 10 से 15 दिन, क्योंकि पूरी प्रॉपर तरीके से होने वाली है। नाम बहुत ही जल्दी रिवील करूंगा, जैसे ही पहला पार्ट शूट हो जाता है, मुझे पोस्टर मिल जाता है तो आपको जरूर दूंगा। और 18 तारीख को दूसरे गाने का पोस्टर मैं रिवील करने वाला हूं। तो भैया धमाके पे धमाके करेंगे, तो हेटर जश्न बनाओ। 8:30 हो गए बेटा, सो जा। सो रहा हूं पापा। घूमने चलेंगे? हां बेड पे चलेंगे बेटा, वहां सो जाएंगे। ठीक है। चीकू खा रहा है खाना और पायल क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, उड़ू सामान रखा है। आगे आ जाओ, आगे खा लो बेटू, फटाफट खाओ, सो से स्कूल जाना। ठीक है। अभी दीपक सुबह से दिख नहीं रहा, कहाँ गए? पहले मैं सुबह उठा, नहाया धोया, फिर मैं जिम गया, वर्कआउट कर गया। आज जिम हमारी नहीं, 2.5 घंटे वर्कआउट करा सर, 2.5 घंटे। अच्छा लगता है? सच बहुत अच्छा लगता है सर, देखो फिट भी लग रहा थोड़ा सा। अपने आप को ना प्राउड फील होना चाहिए दीपक की जीवन में हमने कुछ किया है। तो गाइस बहुत ही जल्दी एक जबरदस्त सरप्राइज आपको टूर करवाने वाले, फुकेट का या फिर कराबी का या फिर दुबई का, 2-3 ऑप्शन है। और कौन कौन जा रहे हैं? 4-5 लोग जा रहे हैं, गोलू पायल मैं चीकू नितिन, कालू भैया भी जा सकते हैं, क्योंकि कालू भैया का जो पासपोर्ट है वो रनिंग प्रोसेस में, क्योंकि उन्होंने कभी करवाया नहीं था ये पंगे, तो अभी होने वाला है। बहुत ही जल्दी आपको टूर देने वाले हैं। ये कह रहा है मेरे को, मैंने कहा तेरे को कब से बोला है पासपोर्ट के लिए, कब से बोला है? इतने दिन से तेरे को कह रहा हूं कि बेटा पासपोर्ट बनवा ले, पासपोर्ट बनवा ले। पासपोर्ट तो चीकू जब तू 3 साल का था ना तभी बनवा दिया था मम्मी ने, पता है? ओमा क्या होता है, तू कल से ओमा ओमा कर रहा है। क्या हुआ बेटू? कल कटिंग कराऊंगा तेरी, बाल बड़े हो गए। कल एक काम करो, राजा रानी की भी कटिंग करवा दियो, बाल है ना, ठीक है ना, दो तीनों को भेज दे। हाँ भाई नितिन कुमार क्या चल रहा है, आइसक्रीम खानी है क्या? चीकू की फरमाइश, आइसक्रीम खानी है। चलो खाने तेरे को, मैं तो ठंडा कम ही खाता हूँ। पासपोर्ट तेरा कितने साल का है? 2030-32 तक का शायद। चलो हो गया मेरा तो, आओ भाई चलो सारे चलते हैं। हाँ भाई जिम्मी को चले, जिम्मी को ले ले, जिम्मी इम्पोर्टेंट है सबसे। चीकू जिम्मी को ढूंढ रहा था, नीचे घुस गया था क्या? हाँ जी। चलो हम नीचे वॉक करने जा रहे, दिखा दो कितने लोग है। हाँ जी पापा। हाँ ये क्या है? दिखाना गिर मत जाना, हो हीरो सारे भाग लिए, कहाँ जा रहे हो? मतलब जिमी इतना छोटा है ना कहीं घुस जाता है, पार्क में। जिमी पार्क में चला गया। तो जिमी की रफ्तार देख लो भैया, ये देखो ये बच्चा देख लो, सबसे स्पीड वो स्पीड है, तो छोटा खरगोश भाग रहा है। आ जाओ जल्दी आओ, आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ जी जिमी कितना रेस लगाऊं बेटा, घेर देगा तेरे को, नहीं गिर जाएगा तू? नहीं गिरूंगा। क्या हुआ, ये तो आया नहीं जिमी, तो यहीं रह गया जिमी, तो यहीं रह गया। जिमी आगे निकल गया, चीकू आगे, थोड़ा कम भगा के गुड़ नजर। चीकू बस, चीकू जीत गया, चीकू जीत गया बेटा। देखो जिमी आगे, देखो देखो कैसे आ रहे, देखना देखना क्या हो गया, प्यास लगी, प्यास लगी, पानी। चलो जिमी प्यास लगी, मैं इसको इसको लग रहा पानी, इसको हां चलो पानी दे, आओ मुझे कहाँ पता है, पता है मुझे, वहाँ ले चल ना पूरा, उधर उधर चल, इसको हाथ में पिलाते आ जा, आप करो पी ले, फिर भाग लो जिमी, पी जा।
तो जिमी का पानी वानी पीना हो गया डन, और अभी थोड़ी देर और घूमेंगे, 5-10 चक्कर लगाएंगे सोसाइटी के, कि बहुत दिन से नीचे घूमने आए भी नहीं थे हम। आज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, खाओ पियो ऐश करो, बाय बाय।